चीन के वन बेल्ट वन रोड को जवाब देने के लिए भारत रूस और जापान के साथ दो करार कर चुका है और अब भारत ऐसा ही एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल चीन के OBOR प्रोजेक्ट ने अमेरिका को भी इरिटेट कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को जोड़ने वाली दो बड़ी परियोजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के इन दोनों प्रोजेक्ट्स में भारत अहम भूमिका निभाएगा। ट्रंप प्रशासन अब उस पहल को पुनर्जीवित करने की कोशिश में है, जिसकी घोषणा जुलाई 2011 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने चेन्नई में की थी। हिलेरी ने भाषण में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कही थी, जो दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जोड़ने का काम करेगा। 2011 में की गई हिलेरी की घोषणा इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि बराक ओबामा के दूसरे कार्यकाल में उन्हें विदेश मंत्री के रूप में काम करने का मौका नहीं मिल सका था। ओबामा ने उनके स्थान पर जॉन कैरी को विदेश मंत्री बना दिया था। अब चीन की सक्रियता को देखते हुए अमेरिका ने भी इन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने दो परियोजनाओं के लिए बजट में प्रावधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। न्यू सिल्क रोड का फोकस अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों पर रहेगा, जबकि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ेगा। ये परियोजनाएं निजी क्षेत्र के सहयोग से पूरी की जाएंगी, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार बजट प्रावधान में एक परियोजना अफगानिस्तान को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है, जो उसे पड़ोसी देशों से जोड़ेगी, जबकि दूसरी परियोजना भारत और प्रशांत क्षेत्र के देशों से जुड़ने वाला कॉरिडोर होगा। ये परियोजनाएं जुड़ने वाले देशों और अन्य संस्थानों के सहयोग से पूरी होंगी। ये परियोजना अफगानिस्तान के प्रति अमेरिकी जिम्मेदारी का हिस्सा होगी, जो उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम होगा।